बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6, हाउ आर यू? आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो, सिटी कैंपस भलवाल। इट्स साइंस ग्रेड 6। टाइटल ऑफ द चैप्टर इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड इट्स आवर लेक्चर नंबर 11। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डेफिशिएंसी डिजीजेस पे बात की थी और हमने आपको ये बताया था कि जब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स होती है तो फिर कौन कौन सी डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं। जी याद है आपको, हमने विटामिन ए के बारे में पढ़ा, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन के। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, और हमने ये पढ़ा कि जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो तो नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है और नाइट ब्लाइंडनेस के साथ इन अबिलिटी टू सी इन डिम लाइट। विटामिन बी की जब डेफिशिएंसी होती है तो उससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं, जैसे बैरी बैरी एक बीमारी है जो विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होती है, स्किन डिजीजेस हैं, रिटार्डेड ग्रोथ की बीमारी है और ये सारी विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होती है। फिर हमने ये पढ़ा कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से एक बीमारी है जिसको स्कर्वी बोलते हैं, वो होती है। और इसमें होता क्या है, स्कर्वी में गम स्वोलन हो जाते हैं और उनके अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमने देखा कि रिकेट्स की बीमारी होती है और रिकेट्स की बीमारी में बच्चों की हड्डियां जो हैं वो कमजोर हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। विटामिन के की डेफिशिएंसी से एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है और वूंड्स जो होते हैं उनके अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो रुकती ही नहीं है। तो ये हमने डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स के बारे में हमने पढ़ा था। और फिर जब विटामिन्स की डेफिशिएंसी हमने पढ़ ली तो फिर हमने डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स के ऊपर बात की थी। और डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स में आपको यकीनन याद होगा कि हमने नंबर 1 आयरन मिनरल के ऊपर बात की, फिर हमने कैल्शियम मिनरल के बारे में बात की, फिर उसके बाद हमने फास्फोरस मिनरल के ऊपर बात की, फिर हमने सोडियम मिनरल के ऊपर बात की, उसके बाद पोटाशियम मिनरल जिसको हम के से डिनोट करते हैं और आखिर में आयोडीन था। इनसे होने वाली बीमारियां, आयरन जो है जब उसकी डेफिशिएंसी होती है तो अनीमिया काज होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो तो स्टंटेड ग्रोथ होती है, फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो तो वीकनेस हो जाती है और सॉफ्ट बोन्स और ब्रिटल टीथ हो जाते हैं, सोडियम की जब डेफिशिएंसी हो तो मस्कुलर क्रैम्प होते हैं, पोटाशियम की डेफिशिएंसी हो तो पैरालिसिस होता है और आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर की बीमारी होती है। जी हां डियर स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा था। और आज का लेक्चर डियर स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। आज आपको एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में मैंने बताना है जिसने क्या काम किया। नंबर 1, इस साइंटिस्ट ने दुनिया को पॉवर्टी एलिविएशन से निकालने में रोल प्ले किया, गुर्बत की कमी, गुर्बत को खत्म करने में अपना किरदार अदा किया। लेकिन उन्होंने जो पॉवर्टी एलिविएशन पे काम किया वो कैसे था, वो क्या था, और साथ में फूड की जो स्कॉर्सिटी थी उसकी जो कमी थी, यानी खुराक का कहत पड़ जाना, उसको खत्म करने में अपना किरदार अदा किया। और वो किरदार क्या था, और वो ये था कि मैक्सिमम यील्ड हो, यानी फसलों की पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो और दुनिया जो है वो एक ग्रीन हो जाए, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में अपना किरदार अदा किया। उन्होंने इतना किरदार अदा किया कि दुनिया ने उनको नोबेल प्राइज दे दिया। जी हां, ऐसे साइंटिस्ट के बारे में हमने बात करनी है जिन्होंने दुनिया से गुर्बत और खुराक की कमी को दूर करने में बड़ा काम किया, साथ ही इस दुनिया को ग्रीन बनाने में किरदार अदा किया और ज्यादा से ज्यादा यील्ड हासिल की जाए, और इसी बिना पर उन्हें नोबेल प्राइज मिला। मैं ये बात यहां पर रोकता हूं और आपको बताता हूं कि दुनिया में जब सनती इनकलाब आया,
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो सबसे ज्यादा खतरा किस चीज का था? बढ़ती हुई आबादी की गिजाई जरूरियात, यानी दुनिया गिजा की कमी का शिकार थी। और अगर आप डियर स्टूडेंट्स इस पिक्चर को गौर से देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है? आपको ड्राउट नजर आ रहा है, यानी खुश्क बंजर जमीन नजर आ रही है, खुराक की कमी नजर आ रही है। और जहां पे भी क्रॉप्स मौजूद थी उनकी पर एकड़ जो उनकी यील्ड थी उसमें कमी होती जा रही थी, और ऐसे बीज थे जो जमीन को नुकसान पहुंचा रहे थे और ज्यादा फसलें काश्त नहीं हो पा रही थी। और फिर एक ऐसा साइंटिस्ट आया जिसने दुनिया को ग्रीन कर दिया। इन्होंने मैक्सिमम यील्ड लाने में अपना किरदार अदा किया, यानी ऐसे बीज पैदा किए, ऐसे बीजों की डेवलपमेंट की जिससे ज्यादा यील्ड होती थी और डिजीजेस को प्रिवेंट किया। यानी उन फसलों के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी थी कि वो डिजीज को रेजिस्ट करती थी, उनको रोकती थी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जो बोर्न हुआ ऑन अ फार्म इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये पैदा हुए, और इन्होंने स्टडी की फॉरेस्ट्री, यानी शुरू से इनका इंटरेस्ट था प्लांट्स के अंदर और इन्होंने उसको पढ़ा। देन आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडी ही वर्क्ड फॉर यूएस फॉरेस्ट्री सर्विस में काम किया। Then he obtained his master degree in 1939 and complete his doctorate in 1942 and the area was plant pathology. Then he worked as microbiologist और अपनी interest की field में आप चले गए, and then he appointed in wheat research institute in Mexico. And dear students, then after 20 years of his services, यानी 20 साल मुसलसल इन्होंने रिसर्च की, after 20 years of research, he discovered the wheat, ऐसी गंदुम पैदा की, ऐसी गंदुम की सीड पैदा की है जिसमें बड़ी क्वालिटीज दो थी। नंबर वन, हाई यील्डिंग थे, यानी ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल कर सकते थे, और नंबर टू पे डिजीज रेजिस्टेंस थे, बीमारियों के खिलाफ मुदाफियत बहुत ज्यादा थी उस गंदुम के अंदर, वीट के अंदर। और दुनिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आने में आप कामयाब हो गए। क्या आपको पता है कि आपका जो मुल्क है पाकिस्तान, वो भी इस साइंटिस्ट की जो रिसर्च है उसके मुताबिक काम किया और पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट हुआ इन वीट में कितने सालों में? अबाउट 7 years। यस डियर स्टूडेंट्स, 7 years में पाकिस्तान गंदुम में सेल्फ सफिशिएंट होगा, यानी हमारी गंदुम पूरी होगी, अब हमें बाहर से गंदुम मंगवाने की जरूरत नहीं थी। और मैक्सिको जो है जहां पे इन्होंने रिसर्च की, वो 11 years में मैक्सिको जो है वो अपनी गंदुम में सेल्फ सफिशिएंट हो गया। इसी वजह से इस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला इन 1970। तो क्यों ना इस साइंटिस्ट को मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊं। यस डियर स्टूडेंट्स, ये वो साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला 1970 में। इनका नाम नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, नॉर्मन अर्नेस्ट, आप इसको नॉर्मन अर्नेस्ट से भी मुखातिब कर सकते हैं। इनको नोबेल प्राइज मिला 1970 में और इनको कहा जाता है कि ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है। दुनिया के अंदर जो सब्ज इनकलाब आया वो इन्हीं की बदौलत आया, ये उसके फादर हैं। और आपका एक बड़ा खूबसूरत कोट है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो क्या कहते हैं? यू कांट बिल्ड पीस इन द वर्ल्ड ऑन एम्प्टी स्टोमक। इन्होंने दुनिया की बड़ी ताकतों को खबरदार किया कि अगर आप दुनिया में अमन लाना चाहते हैं तो आपको लोगों को खुराक में खुद कफील करना होगा, सेल्फ सफिशिएंट करना होगा, क्योंकि पीस एम्प्टी स्टोमक से नहीं आता। इन्होंने इसी पे काम किया और ऐसे बीज बनाए जो के मैक्सिमम यील्ड देते थे और डिजीज रेजिस्टेंस थे, एंड ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1970। डियर स्टूडेंट्स, इनका नाम मैं आपको बता चुका हूं, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग,
और ये 1914 में पैदा हुए और 2009 में इनकी वफात हुई, डेथ हुई। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इन्हीं के मुतल्लिक है और आपने इनके मुतल्लिक मजीद भी सर्च करना है बुक का पेज नंबर 17 बुक रीडिंग। और अगर आप देखें नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग के मुतल्लिक इस पेज पे लिखा हुआ है, ये आपने इसको स्टडी करना है। देन डियर स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग टूवर्ड्स आर होमवर्क और होमवर्क में यही आपका क्वेश्चन है। आपने डे मेंटेन करनी है नोटबुक पे, डेट, टिक ऑन होमवर्क और ग्रीन रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन, इसका जवाब आपने यहां पे देना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था। दुनिया के अंदर सब्ज इनकलाब के बारे में आपने नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग की खिदमात का जिक्र भी करना है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू शेयर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग साइंटिस्ट विद योर पेरेंट्स एंड विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।